और ये देखिए है ना एकदम रस से भरी रसीली जिलेबी। हमने इसे बहुत ही इंस्टेंट बनाया मात्र 10 मिनट में और ये जिलेबी खाने में उतनी ही स्वादिष्ट है, उतनी रसीली है जैसे कि मार्केट में आपने देखा होगा या खाया होगा। और ये जिलेबी उतनी ही क्रिस्पी और करारी होगी जैसा कि मार्केट में आपने देखा होगा। तो अब ना फर्मेंटेशन करने की झंझट है और ना ही लंबे समय तक का इंतजार करने की झंझट है और इस तरीके से मात्र 10 मिनट में इंस्टेंट जिलेबी बना करके तैयार कर सकते हैं। हेलो गाइस, मैं हूं गोल्डी और मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फेस्टिवल के सीजन में आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एकदम गर्मा गर्म रस से भरी रसीली जिलेबी की रेसिपी जो मात्र 10 मिनट में बनकर के तैयार हो जाएगी और उतनी ही स्वादिष्ट होगी जैसा कि आपने हलवाई के हाथों का देखा होगा या खाया होगा। 10 मिनट में बनने वाले इस जिलेबी को बनाने के लिए मैं बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करूंगी जो इजीली सभी के घर में अवेलेबल होगा या फिर आप बहुत ही आसानी से इसे मार्केट में खरीद सकते हैं। तो आइए देर नहीं करेंगे, जल्दी से इस रेसिपी की शुरुआत कर लेते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जल्दी से मेरे वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बगल में छोटी सी घंटी उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। गर्मा गर्म इंस्टेंट जिलेबी बनाने के लिए सबसे पहले मैं चाशनी बना करके तैयार करूंगी। तो हमने यहाँ पे लिया है 400 ग्राम के करीब चीनी। ये अगर आप मेजरिंग कप से देखेंगे तो ये 2 कप के बराबर होगा यानी 400 ग्राम। आप चाहें तो हाफ केजी भी ले सकते हैं। और अब मैं इसे जल्दी से चाशनी बना करके तैयार करूंगी। तो सबसे पहले मैं लूंगी यहाँ पर एक सॉस पैन। इस सॉस पैन में मैं चीनी को ऐड कर दूंगी। सॉस पैन में चीनी को डाल देने के बाद अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूंगी यानी कि 200 ml मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। जितना हमने चीनी लिया था उसका आधा हमें इसमें पानी ऐड करना है। तो अब मैं इसे गैस पे चढ़ा देती हूँ। गैस पे चढ़ा देने के बाद अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू स्टर करते पकाऊंगी। जब तक चीनी अच्छे से घुल नहीं जाती है या एक उबाल आ नहीं जाता है तब तक हम इसे कंटिन्यू स्टर कर लेना है। और ये देखिए चीनी हमारी एकदम बढ़िया तरीके से घुल भी गई है और इसमें अच्छी खासी उबाल आनी भी शुरू हो गई है। तो मैं इसे 2 मिनट के लिए और पका लेती हूँ ताकि हमारी गाढ़ी चाशनी बन करके तैयार हो जाए। 2 मिनट पूरे हो चुके हैं और चाशनी हमारी एकदम अच्छे से तैयार हो गई है। आप इसके ड्रॉप्स को देख सकते हैं कितने आराम से धीरे धीरे गिर रहा है, इसकी यही निशानी है यानी चाशनी हमारी तैयार हो चुकी है, थिक हो चुकी है। तो अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ 1/2 टेबल स्पून के करीब लेमन जूस। चाशनी में लेमन जूस डालने से उसमें क्रिस्टल नहीं पड़ते हैं और जैसी चाशनी रहती है वैसे ही रहता है। बहुत लोग इसमें लेमन जूस की जगह पर पूरा 1/2 लेमन काट करके डाल देते हैं लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ लेमन जूस ऐड करूँगी। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ कुछ केसर के लच्छे। केसर के लच्छे पूरी तरीके से ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1/2 टेबल स्पून के करीब इलायची पाउडर। इलायची पाउडर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए मैं इसमें इलायची पाउडर ऐड कर रही हूँ। इलायची पाउडर डाल देने के बाद अब मैं इसे 1 मिनट के लिए और पका लूंगी ताकि जो केसर के लच्छे वो भी पक जाए और इसमें अच्छा सा कलर और अरोमा आ जाए। और ये देखिए जिलेबी की चाशनी बनकर के तैयार हो चुकी है। मैं इसे टच करके आपको दिखाती हूँ और ये देखिए कितनी बढ़िया गाढ़ी चाशनी बनकर के तैयार हो गई है। हम इससे ज़्यादा इसे नहीं पकाएंगे क्योंकि जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा तो हमें इस स्टेज तक ही पकाना है इसे। तो इस स्टेज पे मैं फ्लेम को ऑफ कर लूंगी और जल्दी से जिलेबी का बैटर बना करके तैयार कर लेती हूँ। जिलेबी का बैटर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया एक बड़ा सा बोल और इस बोल में मैं ऐड करने वाली हूँ 1 कप मैदा। अगर आप मैदा को वेट में देखेंगे तो ये 125 ग्राम के बराबर है, तो अगर आप इसे ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो आप इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। बोल में मैदा ऐड करने के बाद अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ एकदम मेन इंग्रेडिएंट, वो है दही। मैंने यहाँ पे खट्टी दही ले ली है लगभग 1/3 कप। अगर आपके पास नॉर्मल दही है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिलेबी बनाने के लिए खट्टी दही का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि आपने मार्केट वाली जिलेबी खाई होगी तो देखा होगा हल्का सा खट्टा होता है, वो इसलिए क्योंकि वो लोग फर्मेंट करके बनाते हैं। और आज हम इंस्टेंट जिलेबी बनाने वाले हैं तो इसलिए हमने यहाँ पे खट्टी दही का इस्तेमाल किया है। तो मैं इसमें 1/3 कप दही ऐड कर दूंगी और अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करूंगी और इसका एकदम स्मूथ बैटर बना करके तैयार करूंगी। आधा कप पानी डाल देने के बाद भी आप देख सकते हैं कि बैटर हमारा अभी भी ड्राई है, तो मैं इसमें 1/4 कप पानी और ऐड करूंगी और इसका एकदम स्मूथ बैटर बना करके तैयार कर लूंगी। जिलेबी का बैटर बनाते समय इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करिए ताकि बैटर एकदम परफेक्ट बनकर के तैयार हो और जिससे कि हमारी जिलेबी एकदम बढ़िया क्रिस्पी करारी बनकर के तैयार हो जाएगी।
और ये देखिए सभी इंग्रेडिएंट्स को मैंने एकदम अच्छे से मिक्स कर लिया है, एकदम स्मूथ पेस्ट इसका बन करके तैयार हो गया है। तो मुझे इसे अभी भी और स्मूथ बनाना है, तो मैं इसे लगभग 5 मिनट के लिए और अच्छे से फैट लूंगी। आप चाहें तो फैटने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बैटर को तैयार करते हुए 5 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कितना स्मूथ बैटर बनकर के तैयार हुआ है। तो अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ एकदम पिंच ऑफ फूड कलर। मैंने यहाँ पे लिया है लेमन कलर फूड कलर का, आप चाहें तो रेड कलर या फिर सैफरन कलर भी ले सकते हैं। ये कलर की डिब्बी आपको मार्केट में बहुत ही ईजिली मिल जाएगी, या फिर आप इसे ऑनलाइन परचेस करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से इसे परचेस कर सकते हैं। तो मैं इसमें एकदम पिंच ऑफ इस कलर को डाल दूंगी। फूड कलर डाल देने के बाद अब मैं इसे फिर से 1 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स कर लूंगी। आप चाहें तो फूड कलर बैटर में न डाल के चाशनी में भी डाल सकते हैं। और ये देखिए बैटर हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो चुका है, और आप देख सकते हैं इसमें ना तो कोई लम्स है और ना ही बैटर को गिराते समय कोई ब्रेक हो रहा है, यानी हमारा परफेक्ट बैटर बन करके तैयार हो गया है। तो अब मैं जल्दी से जिलेबी बना करके तैयार कर लेती हूँ। जिलेबी को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एकदम चौड़ा फैला हुआ पैन। अगर आप भी जिलेबी बनाने जा रहे हैं तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप इस तरीके का कोई फैला हुआ चौड़ा पैन ले लीजिए, ताकि आपको जिलेबी बनाने में आसानी हो। जिलेबी को फ्राई करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ घी। यहाँ पे मैंने 1 कप घी लिया है, और 1 कप घी से ज़्यादा हमें इसमें बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इसमें रिफाइंड ऑयल से भी फ्राई कर सकते हैं, या फिर वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस स्टेज पे मैं फ्लेम को ऑन करूंगी और एकदम धीमी आंच पे इस घी को मैं गरम करूंगी। जब तक घी हमारा गरम हो रहा है तब तक मैं जिलेबी के बैटर को चेक कर लेती हूँ। और अब इस बैटर में मैं ऐड करने वाली हूँ फ्रूट सॉल्ट, यानी कि इनो। इनो आपको बहुत ही इजीली मार्केट में मिल जाता है, और आप चाहें तो इसके रिप्लेसमेंट में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कमेंट में कहते हैं कि मैम बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग पाउडर क्या है, तो मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताती हूँ। आप ये दोनों चीज़ों को स्किप करके आप डायरेक्ट इनो का इस्तेमाल कर लीजिए, इससे जो जिलेबी हमारे एकदम क्रिस्पी और करारी बन करके तैयार हो जाती है। तो मैं इसमें इनो को ऐड कर दूंगी। इनो को डाल देने के बाद अब मैं इसे अच्छे से फटाफट मिक्स करूंगी। याद रखिए इनो डाल देने के बाद हमें ये प्रोसीजर थोड़ा सा जल्दी करना है। और ये लीजिए जिलेबी का बैटर हमारा एकदम अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब मैं जल्दी से जिलेबी बना करके तैयार कर लेती हूँ। जिलेबी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एक दूध की थैली, जिसे मैंने एकदम अच्छे से वॉश कर लिया है, और इसमें मैं बैटर डाल करके एकदम बढ़िया जिलेबी बना करके तैयार करूँगी। आप चाहें तो कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो पाइपिंग बैग का इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आपके पास ये तीनों ही चीज़ें नहीं हैं तो आप इस तरीके का कोई बॉटल ले लीजिए। ये फिश की बॉटल है जो बहुत ही ईजिली आपको मार्केट में मिल जाती है, और ये ईजिली दबता भी है इस तरीके से। तो अब आपकी चॉइस है, आप इस तरीके की बॉटल ले सकते हैं, या फिर जिलेबी बनाने वाला जो बॉटल होता है सॉस की बॉटल, वो मार्केट में मिल जाती है, आप वो ले लीजिए, या फिर दूध का पैकेट ले लीजिए। तीनों ही बहुत ही इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे, और दूध का पैकेट तो सभी घर में इजीली मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे हमने दूध की थैली का इस्तेमाल किया है। तो अब मैं इस दूध के पैकेट को इस तरीके से ग्लास में डालूंगी। दूध के पैकेट का जो तीनों को कॉर्नर का हिस्सा है हमें ग्लास में डालना है, और जो बीच में हमने इसे कट लगाया है उसे इस तरीके से फैला लेना है। पैकेट को फैला लेने के बाद अब मैं इसमें तैयार किया हुआ बैटर डालूंगी। और ये देखिए हमने इस बैटर को दूध के पैकेट में डाल दिया है, और अब मैं इसे चारों तरफ से बंद करने के लिए एक रबड़ बैंड लगा लूंगी। आप चाहें तो इसे इस तरीके से बॉटल में भी भर करके तैयार कर सकते हैं। तो आइए जल्दी से मैं जिलेबी बना करके तैयार कर लेती हूँ। तो सबसे पहले इस तैयार किए हुए कोन को मैं थोड़ा सा कट कर लूंगी, हमें बहुत ज़्यादा नहीं कट करना, एकदम थोड़ा सा, ये देखिए इस तरीके से। जिलेबी का कोन हमारा तैयार हो चुका है, और घी भी एकदम अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब मैं जल्दी से जिलेबी बना करके तैयार कर लेती हूँ। हमें बहुत ही आराम से इस तरीके से, ये देखिए, राउंड घुमाना है, जैसे कि आप चकली बनाते हैं इस तरीके से बनाना है। आपने देखा कितनी आसानी से एक जिलेबी बन करके तैयार हो गई है, और एकदम बढ़िया तरीके से फूल रही है, हल्का सा ये अपने आप साइड में आ जाएगी। फिर मैं आपको एक और राउंड शेप की जिलेबी बना करके दिखाऊंगी। हो सकता है कि एक दो बार में आपकी जिलेबी अच्छी ना बने, लेकिन बाद में बहुत ही बढ़िया जिलेबी बनकर के तैयार होगी। जिलेबी बनाने के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस तरीके से चौड़े पैन का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत ही आसानी से जिलेबी बना करके तैयार कर सकते हैं, जैसे कि मैं बना रही हूँ। जिलेबी एक तरफ से क्रिस्पी हो चुकी है, तो अब मैं इसे पलट करके दूसरे तरफ से भी सेक लूंगी।
जलेबी हमारे दूसरी तरफ से भी हल्की सी जब क्रिस्पी हो जाएगी और हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तब मैं इसे इस पैन में से बाहर निकाल लूंगी। और ये देखिए एकदम गर्मा गर्म जलेबी तैयार हो चुकी है। मैं आपको इसे एकदम पास से दिखाती हूँ कितनी क्रिस्पी बन करके तैयार हुई है। तो देखा ना आपने कितनी क्रिस्पी हमारी जलेबी बनकर के तैयार हुई है। तो अब इस गर्मा गर्म क्रिस्पी जलेबी को मैं गर्मा गर्म चाशनी में डाल दूंगी। गर्मा गर्म चाशनी में डाल देने के बाद इसे 30 सेकंड के लिए इसी तरीके से डिप करना है और फिर इसे निकाल करके एक प्लेट में मैं रख लूंगी। और ये देखिए 30 सेकंड बाद हमारी जलेबी कितनी जूसी कितनी रसीली बन करके तैयार हो गई, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। तो इसी तरीके से मैं सारी जलेबी को बना करके तैयार कर लूंगी। मैं एक जलेबी बॉटल से आपको बना करके दिखा रही हूँ। ये देखिए हल्की सी ये बिगड़ भी सकती है लेकिन आप इसे एक से दो बार जब बनाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसे बना सकते हैं। ये देखिए और ये देखिए तीसरी वाली जलेबी हमारी बहुत ही अच्छी बनी है। इसी तरीके से मैं सारी जलेबी को बना करके तैयार कर लूंगी। और ये देखिए सारी जलेबी हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो अब मैं इसे एक प्लेट में रख लेती हूँ। और ये लीजिए हमारी रस से भरी हुई एकदम रसीली जलेबी बन करके तैयार है, वो भी एकदम गरम गरम है। तो मैं इस जलेबी की गार्निशिंग कर देती हूँ थोड़े से बारीक कटे हुए पिस्ता के साथ और थोड़ा सा मैं इसे गार्निश कर दूंगी रोज पेटल्स के साथ। तो देखा ना आपने कितनी आसानी से हमने रस से भरी हुई इस रसीली जलेबी को बना करके तैयार किया है, वो भी 10 से 15 मिनट में। और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और ये देखिए मैं एक जलेबी को एकदम पास से दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए वाओ कितना बढ़िया हमारी जलेबी बनकर के तैयार हुई है, एकदम रस से भरी हुई रसीली जलेबी है। और इसका कलर आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आया है। मैंने आपको इसका कलर का ऑप्शन बताया था, आप अपने हिसाब से इसे चॉइस कर सकते हैं। और ये देखिए इसकी क्रिस्पीनेस भी कितनी बढ़िया है, कितना अच्छा हमारा जलेबी बनकर के तैयार हुआ है एकदम हलवाई जैसा, वो भी सिर्फ 15 मिनट में। तो आप किसी भी तीज त्यौहार में इस तरीके की गर्मा गर्म जलेबी बना करके तैयार कर सकते हैं, वो भी 10 से 15 मिनट में। देखा ना कितना इंस्टेंट है इसे बनाना। तो अब ना तो इसे खमीर की झंझट है और ना ही इंतजार की, एकदम आसानी से आप जलेबी अपने घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं, वो भी एकदम हलवाई जैसा। मुझे उम्मीद है कि इस तरीके की जलेबी की रेसिपी आपने कहीं नहीं देखी होगी, वो भी एकदम इंस्टेंट। तो इस रेसिपी को आप आज ही ट्राई करिए और कमेंट में मुझे लिख करके बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और हमेशा की तरह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो जल्दी से मेरे वीडियो को ढेर सारा लाइक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे सभी सोशल मीडिया पर शेयर करिए। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में छोटी सी घंटी उसे भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई रेसिपी अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग गोल्डीज किचन। बाय बाय फ्रेंड्स, मैं जल्दी मिलूंगी एक और नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।